का बड़ा इजाफा यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में सोने में आता हुआ देखेंगे। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें तो अब ये बेसिक ड्यूटी 15% हो चुकी है और 3% का जीएसटी इसके ऊपर है, तो 18% के आसपास का एक ऑल टाइम है हाई लेवी हमने यहाँ पर सोने में लगता हुआ देखा है। कुठारी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट हमने बाजार में पड़ते हुए देखा है और एक नियर टर्म के लिए अब क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, जो कस्टम ड्यूटी आज बढ़ी है उसके लिए नो डाउट उसका इफेक्ट मार्केट में इमीडिएटली आ गया था। सुबह 9:05 में उसका इफेक्ट आ गया था कि कस्टम ड्यूटी 7.5% और प्लस 2.5% सेस होने की वजह, एग्रीकल्चर सेस होने की वजह से पहले 10% ड्यूटी थी, उसको बढ़ा के अभी 12.5% और 2.5% यानी टोटल 15% ड्यूटी हो गई और 3% जीएसटी हो गया। तो जो 4,96,000 कस्टम ड्यूटी 1 किलो गोल्ड पे लगती थी वो बढ़ के सीधी 6,88,000 हो गई। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1,92,000 रुपये का 1 किलो के ऊपर फर्क पड़ गया। और MCX में अगर आपने देखा होगा तो 50,570 पे जो गोल्ड बनता वो बढ़ के 52,000 तक चला गया था और फिर बाद में 51,800 के आसपास आके इफेक्ट हो गया। तो और सबसे बड़ी बात है कि सोने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से इम्पोर्ट फिगर कम होगा, नो डाउट। मई महीने में 106 टन गोल्ड इम्पोर्ट हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो अगर आप देखोगे तो 24 बिलियन का हो गया, तो नो डाउट इसमें थोड़ा इफेक्ट आएगा। बट गोल्ड प्राइस अगर $1,750 हो जाता है और सोना फिर 50,000 हो जाता है तो डिमांड एज यूजुअल हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज देखने को मिली है सुरेंद्र मेहता जी कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तो हमने सोना 6 हफ्ते के लोज पर आता हुआ देखा, लेकिन भारतीय बाजारों में सोना यहाँ पर आज 2 महीने के हाईज पर था। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो ये जो कदम उठाया है ये बिल्कुल सरकार को भी शायद ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग गोल्ड की जगह लोग रुपए की जगह गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी होता है तो गोल्ड इज कॉल्ड द हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो लोग रुपया छोड़ के गोल्ड खरीदते हैं। तो सरकार ने पहले ही उस पर इफेक्टिव 4.25% ड्यूटी भारतीय बाजारों में बढ़ा दी ताकि इस तरह से इसका इस्तेमाल ना हो और रुपए को भी इससे गिरते हुए रुपए को बचाया जा सकता है। और जो आप हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $1,825 के आसपास पहुंच गए थे, आज वो अभी $1,790 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में जो भी प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ ड्यूटी इफेक्ट को लेके बढ़ा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम में लगभग $25 से $30 की कमी पिछले 24 घंटे के अंदर आ चुकी है। तो जैसे कोठारी जी ने कहा कि यदि ये प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $20-30 और कम हो जाते हैं तो गोल्ड का प्राइस वापस उतना ही रहेगा और डिमांड पे शायद उसका कोई इतना असर नहीं होगा जितना सरकार उसको कम करना चाहती है। क्लियरली आशीष जी, ये सवाल आपसे है और यू नो पिछले ही साल हमने देखा कि हमने कुछ यहाँ पर ड्यूटी कम होते हुए देखी। ये सवाल मनोज झा जी से है कि पिछले ही साल हमने यहाँ पर ड्यूटी कम होते हुए देखी थी और वो भी 2-3 सालों की यू नो पूरी कोशिशें थी यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री की, बुलियन इंडस्ट्री की, सरकार को इतने सारे रिप्रेजेंटेशन दिए गए, उसके बाद हमने ड्यूटी कम होते हुए देखी और वो एक साल भी यहाँ पर नहीं टिकी। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट? देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली गवर्नमेंट को शायद ऐसा लगा कि अभी गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कहीं कैड में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि ये हमारे जीडीपी का 1.2% हो गया है डेफिसिट। तो अगर फॉर ए टाइम बीइंग के लिए अगर ये बढ़ाया गया है तो ठीक बात है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री के लिए बहुत तकलीफ का समय आ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री आप देखिए ऑलरेडी मंदी के दौर से गुजर रहा है और पिछले 3-4 महीने से तो पूरा इंडिया में गोल्ड की कहीं कोई भी खरीदारी नहीं। आप देखेंगे इंपोर्ट भी इस साल मई तक केवल 294 टन हुआ है, जो कि अप्रॉक्सिमेट जो जनरली मई तक हमेशा 480 टन के आसपास इम्पोर्ट होता है। तो फॉर ए शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर इसको जल्द से जल्द कोई और उपाय करके ये इम्पोर्ट ड्यूटी वापस ना किया जाए तो इससे ग्रे मार्केट को तो आपको मालूम ही है बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पर 1 लाख के पीछे अगर दुबई में आप जाएं तो 18,000-18,500 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो दूसरे तरह से जो है गोल्ड आने शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरह की तकलीफें बढ़ जाती हैं। और जिस तरह से हमारे मोदी जी का ये कहना है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दें, सही तरह तरीके के बिजनेस को बढ़ावा दें, तो उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा।
तो मेरा ये डेफिनेटली एक सबमिशन है कि जल्द से जल्द इस इम्पोर्ट ड्यूटी को जितना जल्दी हो सके उसको रिगेन किया जाए पहले की तरह, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको आगे कम किया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात सभी ज्वेलर्स के लिए है कि ये कम करने के बदले बढ़ गया। नो डाउट वो कैड के वजह से बढ़ा है, लेकिन ये कम होना फ्यूचर में बहुत जरूरी है। कोठारी जी, एक चीज की चिंता सबको है कि यहाँ पर अनऑफिशियल चैनल से हम यहाँ पर सोना आता हुआ देखेंगे, कितनी बड़ी दिक्कत ये फिलहाल नजर आती है। देखिए, जैसा चाह साहब मनोज जी ने कहा कि अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है तो नो डाउट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब है, पर अगर आप देखोगे कि यहाँ से जो वर्कर जो वहाँ पे काम करते हैं, लोग घूमने जाते हैं, अगर वो 100 ग्राम सोना भी पहन के, जो स्त्रीधन आप जो बोलते हैं जैसे बैंगल है, अंगूठी है, चैन है, अगर वो 100-150 ग्राम पहन के आते हैं तो एक 100 ग्राम के ऊपर 80,000 रुपये का उसको फायदा हो जाता है। यानी इतने पैसेंजर आते हैं, अब आप पैसेंजर इतने टूरिस्ट आते हैं, इतने लोग घूमने जाते हैं, जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, अगर आप उसकी पूरी टोटल मालोगे तो साल के 200 टन जितना सोना अनऑफिशियली चैनल से आ जाएगा, जिसकी मतलब जो स्मगल है और है भी नहीं, तो वो धीरे धीरे अपने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और बेसिकली खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही खराब है कि यहाँ पे हम लोग जब चीज़ को एकदम बढ़ावा दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि पूरी इंडस्ट्री आफ्टर जीएसटी एक सस्टेन हो गई है, हम इसको गोल्ड को एसेट क्लास में लेने की बात कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, स्पॉट एक्सचेंज आ रही है, इंटरनेशनल स्पॉट एक्सचेंज